गंज के वीएम फील्ड पर आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी और रामविलास पासवान मौजूद रहे। आज गोपालगंज में हजारों हजारों की संख्या में लोग आए थे और डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को भी जिताने की बात। नक्सलवाद एक बड़ी समस्या थी देश के सामने, लेकिन आज नक्सली घटनाओं में भारी कमी आई है। अब इक्का दुक्का घटना जहां तहां हो गया अलग बात है, और मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी को एक 5 साल का मौका मिलेगा तो नक्सलवाद का हिंदुस्तान से खात्मा हो जाएगा। मेरे मित्रों, एक जमाना था कि हर काम के लिए लोग लाइन लगकर चीज़ों को लेते थे, लेकिन अब लाइन लगने का जमाना चला गया। क्या जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, मार्कशीट लेना हो, रेलवे का टिकट कटाना हो, यूरिया खाद खरीदना हो, वो लाइन में लगने का जमाना खत्म हो गया। डिजिटल जमाना आ गया, हर काम मोबाइल फोन से, हर काम डिजिटल, और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है और लोग घर बैठे सारी सुख सारी सुविधाओं का और लाभ उठाते हैं। कि आज़ादी के बाद का ये पहला चुनाव है जिसमें महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर महंगाई बढ़ी होती, चीज़ों का दाम बढ़ा होता, तो हमारे विरोधी उसको चुनावी मुद्दा बनाए होते। लेकिन आज तक आपने राष्ट्रीय और राज्य के किसी नेता को नहीं देखा होगा, हमारे विरोधी जो महंगाई के बारे में एक शब्द बोलते हैं। और मैं केवल गोपालगंज के लोगों को याद कराना चाहूँगा कि आज से 5 साल पहले दाल का दाम था 170 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, और आज बाजार में दाल का भाव क्या है? 70 रुपये, 80 रुपये किलो दाल बिक रही है। चीनी का दाम था 50 रुपये 55 रुपये किलो, और आज चीनी बाजार में 35 से लेकर 40 रुपये किलो चीनी बाजार में बिक रही है। अभी तो ये पहला चुनाव है जिसमें सड़क बिजली पानी को विपक्ष मुद्दा नहीं बना पाया। नहीं तो अखबार लिखते थे सड़क बिजली पानी, हर चुनाव के अंदर सड़क नहीं बना, बिजली नहीं पहुंची, लोगों के पास पानी नहीं है। इसका मतलब यह है कि 5 साल में श्री नरेंद्र मोदी जी ने और 13 साल बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार ने, दोनों ने मिलकर सड़क बिजली पानी महंगाई के मुद्दे को खत्म कर दिया। नेशन भारत के न्यूज रूम से मैं कात्यायनी मिश्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत।